और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। हम कल अगर बदमाशी करेंगे तो आज कोई बहुत बड़े अधिकारी बन के नहीं बैठेंगे। आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और कल को सोचेंगे कि हमें हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा, कैसे निकल जाएगा आपका। जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना, उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेज़ी से निकल रही है, यहाँ दौड़ने वाले पीछे छट जाएंगे। यहाँ तेज़ दौड़ना पड़ेगा, जी जान लगा के दौड़ना पड़ेगा, तभी सफल हो सकते हैं। परिस्थिति को जो रोना रोता है ना, उनको मतलब बहुत गुस्सा भी आता है अंदर से। नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, APJ अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे, सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर को क्लास में घुस के पढ़ने नहीं दिया गया। ये लोग जब ये कहते हैं कि हमें परिवार न है, तो आपने आँख फूट गई थी इन लोग की परिस्थितियाँ देखने में। परिस्थिति किसी को नहीं रोकती है। हम जब तक परिस्थिति के आगे नहीं हार सकते हैं, तब तक परिस्थिति हमें नहीं हरा सकती है। इस दुनिया रही बात करते हैं कोई हमारा साथ नहीं देता है, दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। दुनिया में हम टुडे इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन पास्ट एक्शन, एंड वट एवर वी विश टू बी इन फ्यूचर इज डिपेंड ऑन आवर प्रेजेंट एक्टिविटी। हम क्या हैं ये कुछ नहीं, हमारा आज जो है हमारे पीछे किए गए कल का आज रिजल्ट है। हम छेड़ा जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो मेरे बापू जी मुझे हमेशा कहते हैं कि बेटा, दूसरों से स्पर्धा करने के लिए या दूसरों को हराने के लिए धंधा कभी मत करना। धंधे में अगर सफल होना है तो सिर्फ अपने आप से स्पर्धा करो। समझ सको तो समझ लो।